स्वामी भज शिव ओंकारा। आजा आजा, हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉक्सी पम्बी। तो मैं अपने मंडे के सेकंड पार्ट के साथ आ गई हूँ और आज है 26 जुलाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कारगिल दिवस है, तो बस आज उन शहीदों को याद करके उन्हें सब सलामी देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए किया है वो सब कुछ करना हम आम इंसानों के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बस शाम की जो मैंने आपसे कल जो व्लॉग शेयर किया था उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। पूजा हो गई थी शाम की, मॉर्निंग रूटीन आपसे शेयर किया था सावन सोमवार का, इसके बाद अब मैं भोग बना रही हूँ। बहुत बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े बाल हैं, बड़े क्रूर सिंह वाली छोटी हो सकती चाहो। तो यहाँ पे स्वीटू और मैं वही बात कर रहे थे कि उनकी उन्होंने बहुत टाइम से हेयर कट नहीं लिया है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो वही कि बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं पोनी बनाने लायक। और यहाँ पूजा वो सब कुछ हो चुकी है। ये रही यहाँ की साइड वाली विंडो जिससे मतलब ऊपर दिखता है, और ये हम लोगों ने नेट लगा लिया था जिससे कि मच्छर ना आए, क्योंकि मच्छर काफ़ी परेशान करते थे। सामने खाली प्लॉट है ना, और हरियाली भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ हम लोग बाबूलाल चतुर्वेदी का कैलेंडर यूज़ करते हैं, पंचांग वगैरह अच्छे से मुहूर्त वगैरह लिखे होते हैं इसमें। और अब छिटू जा रहे हैं, जो सुबह मैंने साबुदाने और मिश्री का भोग लगाया था वो गौ माता को खिलाने के लिए। तो कई बार गौ माता मिल जाती है, कभी कभी साथ में नंदी महाराज भी आ जाते हैं, यहाँ पर हैं किसी के यहाँ तो अभी तो दिख नहीं रही, दूर दिख रही है। तो वही बातें कर रहे थे कि मतलब आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ठीक है ले आएंगे, खिलाना तो ज़रूरी है, क्योंकि नैवेद्य जो है वो अगर उनको हम खुद अपने हाथ से खिला पाए तो कहते हैं ना ज़्यादा पावन होता है। बड़ी सिटीज़ में ये पॉसिबल नहीं होता। जब हम मुंबई में रहते थे तो हमको ढूंढना पड़ता था, फिर वहाँ पास में एक गौशाला थी वहाँ जाना पड़ता था, तब जाकर कहीं पॉसिबल होता था, वरना फिर लोग पेड़ों के नीचे रख देते हैं। लेकिन छोटी जगह में ये है कि आप सारी तिथि त्यौहार सब कुछ प्रॉपर वे में जिस तरीके से हैं पुराने रीति रिवाज उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लकीली गौ माता ने दर्शन तो दे दिए हैं, स्वीटू को दूर से दिख रही हैं बट वो पास में नहीं आ रही आवाज़ लगाने पे। तो अब जाकर स्वीटू लेकर आएंगे ताकि अपने घर के सामने खिला दे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ घर है, बीच में सीमेंटेड सड़क है, तो रोड पर डालना ठीक नहीं है। पता चले गौ माता खाते खाते अगर हट गई तो फिर कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि हमारे घर के सामने क्यों डाला, तो उससे अच्छा है कि उनको यहाँ तक ले आएंगे और जो सामने खाली प्लॉट है उस पर खिला देंगे। तो बस वही कोशिश कर रहे हैं कि उनको जाकर ले आएँ। तो हमारी प्यारी सी गौ माता आ भी गई, उन्होंने पूरा प्रसाद खा भी लिया। अब स्वीटू बाइक अंदर कर रहे हैं, बाइक बाहर ही थी क्योंकि बाहर जाने का सोच रहे थे मंदिर तक, लेकिन फिर बीच में बारिश हो गई तो हम लोग नहीं जा पाए। आजकल मौसम कुछ ऐसे ही हो रहा है, वेदर यहाँ पे एक तो बारिश जैसी होती है सीजी में वैसी हो नहीं रही है, और दूसरी बात जो हो रही है तो ऐसी होती है कि या तो अगर आपको काम हो तो आप ना कर पाए, मॉर्निंग में हो जाती है और इवनिंग में हो जाती है, दोपहर में धूप निकल आती है, तो थोड़ा ऐसे ही मौसम है बिजी बिजी टाइप का। क्या बोल रहा है? 11 बजे तक आएगा। 11 बजे 9 बजे आओ। ना पापा तो लाए उनको लिखी तो लाने ऊपर थी मोली। आ जा आ जा आ जा, ऊपर कोई नहीं, ऊपर कोई नीचे मोली, ऊपर कोई नहीं। आजा आजा, ए मौली। उसको पता है उसकी बाउंड्री क्रॉस नहीं करते। आजा 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 आजा। अरे अरे क्या, अरे मेरा मोजा, मेरा मोजा पसंद आ गया आज के। ले 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 पहले जाके रखेंगे फिर खेलेंगे। धीरे वो गया मेरा मोजा। आजा आजा नीचे, आजा 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 आजा। आप पास में, अरे फाड़ ले उसको, नहीं मना कर रहा। आ नीचे तो आजा मम्मी। अच्छा नहीं लूंगा तेरे से,
नीचे तो आजा, ए मौलू आजा मौलू नीचे नीचे आ, नीचे तो आजा, आना बेटा ऊपर कोई नहीं है, छत पे जाना है क्या इसको बारिश में? बारिश में क्या करेगी जाके रे? देखो उधर ही देख रही है, नया बेल्ट दिखा दे मौली, नया बेल्ट पहनी है, अब नीचे देख रही है, नीचे जाना है कि ऊपर जाना है? कहाँ जाना है? जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से कहा था कि मैं चूरमे की रेसिपी शेयर करूंगी, तो ये प्रॉपर चूरमा तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन हमने जुगाड़ किया है। क्या हुआ ना, घर में गुड़ भी नहीं था और सावन सोमवार में और किसी भी सोमवार में बेसिकली भोले बाबा को महादेव को आटे का प्रसाद बहुत पसंद होता है, आटे का मीठा, चाहे फिर आटे का हलवा हो, गाकड़ हो, आटे की मीठी जो बाटियाँ बनती वो हो, या आटे के पारे हों और आटे के लड्डू वगैरह वगैरह, और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं कईयों के, तो मुझे भी शायद नाम ना पता हो। तो मैंने यहाँ पे घी गरम कर लिया था, ये नॉर्मल बेसिक जो रोटी का आटा लगाते हैं ना पूड़ी का, वो आटा गूँथ लिया था, और उसके बाद मैंने 3 से 4 पूड़ियाँ निकाली, वो जो जिस तरीके से फॉक की हेल्प से करके आपको दिखा चुकी हूँ, और उसके बाद ये सिंपल पूड़ियाँ भी निकाल रही हूँ। बाकी वो जो 3-4 पूड़ियाँ हैं उनको निकाल के मैंने टाइट होने के लिए फ़ैन के नीचे हवा में रख दिया। फिर इधर ये वाली पूड़ियाँ बनाने लगी, जब तक ये वाली पूड़ियाँ बनी है मेरी, तब तक वो वाली जो एकदम हार्ड होना चाहिए था वो हो गई, आप देख सकते हैं आवाज़ से। तो आप समझ गए होंगे कितनी हार्ड हो गई है, और प्रॉपर घी में तल लीजिए, क्योंकि चूरमे में घी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, टोटल 6 चम्मच थी, 1 इलायची के दाना ऐड कर दिया, और इसको हम अच्छे से प्रॉपर जैसा चूरमा होता है वैसा कर लिया। तो घी तो पहले से ही, क्योंकि घी में ही इसको तला है, तो टेस्ट बहुत अच्छा आया था इसका। लेकिन इस चूरमे को फिर यहाँ पर निकाल के रख लिया, जब ये ठंडा हो गया ना थोड़ा सा, उसके बाद मैंने इसमें अगेन घी ऐड किया। आप जितना घी खा सकते हैं, जितना घी का टेस्ट का आप पसंद हो उतना घी ऐड कीजिए। अभी भी पीछे से मौली आ गई है और देव के साथ खेल रही है, थोड़ा वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो सकती है, बट वो छोटी सी क्यूट सी है, उसको कैसे इतना समझ नहीं होती कि क्या काम चल रहा है। तो यहाँ पर घी मिला दिया था, चूरमा रेडी हो गया था, बस आप लोग बोलेंगे कि चूरमे में तो गुड़ डालता है, तो हाँ जी गुड़ फिनिश था। तो मैंने अपने तरफ से कोशिश करी कुछ नया ट्राई करने की, प्रसाद तो प्रसाद होता है, भोग की थाली भी लग गई, प्रसाद भी चढ़ा दिया, तो ये सिंपल सा मतलब जुगाड़ वाला चूरमा बोल सकते, प्रॉपर चूरमा प्लीज़ इसको ना समझिएगा, मेरे श्रद्धा से मुझे जो ठीक लगा, क्योंकि घर में बाकी चीज़ें फिनिश थी तो मैंने कर लिया। तो लेकिन हाँ, देव को स्वीटू को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, स्वीटू बोल रहे थे प्रॉपर चूरी तो नहीं, लेकिन हल्का जो हमारी पंजाबी चूरी होती है जो नानी दादियाँ खिलाती है, उसका हल्का सा टेस्ट इसमें आ रहा था। स्वामी भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा, जय शिव ओंकारा, जय शिव महादेव, अर्धांगी हारा, ओम जय मम देव देव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नारायण जन की। बस यहाँ पे आरती हो गई है, और आज का दिन हम लोग के लिए भी थोड़ा हैवी होता है, इवन के हर एक इंडियन के लिए होता होगा, क्योंकि कारगिल विजय दिवस जो है, इसमें कितने सारे शहीदों ने अपनी जान दी थी हमारे देश को बचाने के लिए, और ताकि खतरे में बाकी लोगों की जान ना पड़े। और हमारे फैमिली से काफ़ी सारे मिलिट्रीज में रहे भी हैं, जो लास्ट ईयर के कारगिल विजय दिवस वाले ब्लॉग में आपसे शेयर कर चुकी हूँ पहले भी। बस अपने शहीदों पे प्राउड फील करते हुए और उन्होंने हमारे लिए जो किया उसका आभार मानते हुए आज का ये व्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। पूछना ही भूल गई थी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।